अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज दोस्तों हम एक कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन जिसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, इसकी सबसे बड़ी रीज़न यही होती है कि हमने एक छाप लगाई हुई है कि हम फेमस अद्वियात के पीछे भागते हैं कि अगर हमारे पास कोई लीवर का पेशेंट आता है तो हम जो पहली मेडिसिन हमारे जहन में आती हैं वो चैलोडीनियम है, कार्डोजमेरिन्स है या लाइकोपोडियम, तो हम उन अद्वियात से बाहर ही नहीं आ पाते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो जिनका बड़ा स्पेसिफिक इफ़ेक्ट होता है, जिनका मोड ऑफ एक्शन बड़ा ख़ास किसी एरिया पर होता है, और ऐसी अद्वियात जिनका मोड ऑफ एक्शन किसी ख़ास एरिया पर हो, किसी ख़ास ऑर्गन के ऊपर हो, और उसके मतलब हमें इंफॉर्मेशन भी स्पेशली उसी ऑर्गन के मतलब मिले, तो फिर उस दवा को हमें जहन के अंदर ज़रूर बिठाना चाहिए और उसको एक दो बार स्टडी करना चाहिए। और फिर आप देखेंगे कि ऐसी अद्वियात जो होती हैं इनसे क्लिनिक में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलती है, बजाय इसके कि आप ब्लाइंड अद्वियात का इस्तेमाल करें कि वो अलामत अगर मिल ही नहीं रही हैं तो सिर्फ ये सिर्फ इस बेस पर कि जनाब ये दवा जो है ये फलां सिस्टम के लिए बहुत बड़ी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पर इसका इस्तेमाल करना, ये मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी। तो आइए दोस्तों आज की दवा पर बात करते हैं। दवा का नाम है जी लेप्टेंड्रा वर्चेनिका। सबसे पहले मर्फी रेपर्टरी के अंदर इसके रूबरी की बात करते हैं। तकरीबन 260 इसकी सिम्टम्स जो हैं मर्फी के अंदर इसके रूबरिक मिलते हैं। उसके अलावा ये एक रूबरिक है जनाब लीवर बिलियस या फीवर बिलियस, तो इसके अंदर ये सिंगल मेडिसिन मेंशन की गई है, यानी कि अगर आप लीवर एमडी में देखें तो आपको लेप्टेंड्रा बोल्ड ग्रेड के अंदर मिलेगी, और अगर आप इस रूबरी को देखते हैं लीवर बिलियस एंड फीवर बिलियस तो यहाँ पर सिंगल मेडिसिन जो है ये मेंशन की गई है। तो दोस्तों ये जिगर की बहुत बड़ी मेडिसिन है, डाइजेस्टिव सिस्टम पर इसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट है, और निज़ाम की ऐसी ख़राबी जिसकी वजह सफरावी बाइल की ख़राबी हो या मरीज़ को सफरावी बुखार हो तो ये दवा बहुत अच्छा वर्क करती है। इसी तरीके से मलेरियल बुखार और उसकी वजह से होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसका सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट जो होता है वो स्प्लेन पर या लीवर पर आता है, तो उन कंडीशन के लिए भी ये एक अहम दवा है। और दोस्तों इसका जो लीवर के साथ सिफरावी मजाज और इसके साथ हेडेक बिलियस होना, इसको आपने जहन के अंदर फीड कर लेना है कि अगर आपके पास ऐसा पेशेंट आता है जो लीवर में भी ट्रबल कर रहा है और उसके साथ उसको सर का दर्द भी है, और किस टाइप का सर का दर्द है ये भी हम आगे जाके रीड करेंगे। और दोस्तों ये दवा बिल्कुल आपको इसके अंदर बहुत सारी अलामत जो हैं ये ब्रायोनिया जैसी मिलेंगी। इसी तरीके से कुछ अद्वियात सॉरी अलामत आपको मर्क्यूरस के तरह भी आपको मिलेंगी, कुछ अलामत इसकी नक्स से भी मिलती जुलती मिलेंगी। लेकिन कहते हैं ना कि हर दवा का अपना एक क्राइटेरिया होता है, और वो उस क्राइटेरिया के अंडर जो होता है वो बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और अगर आप इस दवा को अपनी क्लिनिक में इस्तेमाल करते हैं और ये जो इसका मखसूस सा क्राइटेरिया है, तो इंशाल्लाह देखेंगे कि आपको इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। डॉक्टर विलियम बोरक से हम इसको रीड करते हैं। डॉक्टर विलियम बोरक लिखते हैं कि लीवर रेमडी विद जंडस एंड ब्लैक टेरी स्टूल्स। सबसे पहली बात उन्होंने वही मेंशन की है कि ये जनाब एक लीवर रेमडी है, इसके साथ यरकान होता है, और जो मरीज़ का स्टूल होता है यहाँ पर आपको देखें एक बड़ी मेंशन सिम्टम्स जो है उसकी, जो कहते हैं कि डिफाइंड सिम्टम्स है कि उसका जो स्टूल का कलर होगा ना वो ब्लैक टेरी यानी कि स्याही माइल तारकोल जैसा होगा। उसके बाद जनाब वो लिखते हैं बिलियस स्टेट्स। अब दोस्तों ये डॉक्टर विलियम बोरक ने कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी वर्ड्स के अंदर होती है उनको इस्तेमाल किया है, तो उनकी टर्मिनोलॉजी को समझना जो है ना, उन अल्फाज की कि उनके मीनिंग को समझना, उसकी कंडीशन को समझना। अब बिलियस स्टेट का लफ्ज़ लिखा हुआ है, अब बिलियस स्टेट से आपको समझना चाहिए कि यार ये सफरावी कंडीशन जो होती है ये क्या होती है। अगर आपको सफरावी कंडीशन का नहीं पता होगा
तो फिर हम सॉरी हमारे लिए दवा को सिलेक्ट करना थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो बिली स्टेट मीनिंग एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपने वो जो तिब के अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जी इसका जो मरीज़ का जो मिजाज होता है वो गर्म और खुशक होता है, तो उसको सफरावी बोलते हैं। अब सफरावी के अंदर कुछ आपको फीचर्स मिलेंगे, मिसाल के तौर पर अगर आप उसके फेस को देखें, आप उसकी स्किन को देखें, तो आपको वहाँ पर ड्राइनेस मिलेगी, रफनेस मिलेगा। इसी तरीके से अगर उनके टेस्ट की बात की जाए तो उनका जो मुंह का जायका होता है वो कड़वा होता है। इसी तरीके से अगर उनकी रंगत की बात की जाए तो उनका रंगत जो होता है वो जर्दी माइल होता है, और वो बहुत जल्द गुस्से में आ जाने वाले होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, डिप्रेस किस्म के लोग होते हैं। तो ये बिलियस टेम्परामेंट जो है उन लोगों के लिए ये एक ज़बरदस्त मेडिसिन है, तो इसलिए ये ब्रायोनिया के भी करीब है। अगली बात वो लिखते हैं कि जनाब अनफीबल्ड पोर्टल सर्कुलेशन, के जिगर के अंदर जो दौरान खून होता है जो सर्कुलेशन होती है वो बहुत ही स्लो होती है, और इसके साथ उन्होंने कहा कि जनाब इसमें मलेरिया ही कैफियत हो। तो ये मैंने पहले बोला कि मलेरियल फीवर और उसके टॉक्सिन के लिए और उसके बाद में आने वाली कम्प्लिकेशन और उसके जो बैड इफेक्ट लीवर पर आते हैं उसके लिए ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब हेड के हवाले से मैं दोस्तों एक बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर जो अलामत है वो मिल रही है, और इसको आपने कभी भी नहीं बोलना, वो है डल फ्रंटल पेन। अब डल यानी कि ऐसी पेन जो मरीज़ को हर वक्त मौजूद रहती है, यानी कि हल्का हल्का सरदर्द होता है और वो हर वक्त मरीज़ को तंग किए रखता है, उसके साथ वर्टिगो चक्कर आते हैं, ड्रोजीनेस गुनूदगी होती है एंड डिप्रेशन, और मरीज़ दबाव में होता है। अब जाहिर बात है कि जो दबाव वाली कंडीशन होती है, जो डिप्रेशन वाली कंडीशन होती है, वो सबसे ज़्यादा लीवर को मुतासर करती है, और जब लीवर मुतासर होता है तो फिर जाहिर बात है कि वो भूख नहीं रहती है, डाइजेस्टिव सिस्टम पर बुरा असर आता है, तो स्किन पर देखेंगे तो आपको ड्राइनेस मिलेगी। इसी तरीके से मरीज़ के मुंह का जायका जो होता है वो कहता है कि मेरे मुंह का जायका जो है कड़वा है, वो बहुत जल्द गुस्से में आ जाने वाला होता है, यानी कि ये शख्सियत जो होती है ये डिप्रेशन का शिकार होती है। इसके बाद वो लिखती हैं जनाब स्मार्टिंग एंड एकिंग इन आइस। अब आँखों के दर्द के हवाले से अलामत एक लिखी गई है, आँखों के दर्द के हवाले से कि आँखों में दर्द और स्मार्टिंग तेज़ या चुभन वाला, या ऐसे जैसे जनाब आँख में टीस उठती हो, इस किस्म का दर्द होता है। उसके बाद इसके स्टमक के हवाले से हमें कुछ अलामत मिलती हैं, वो है टंग कोटेड येलो, यानी कि ऐसे मरीज़ की अगर आप ज़बान को देखते हैं तो वहाँ पर आपको एक पीली जर्द किस्म की तय जो है वो आपको नज़र आएगी। तो ये ज़ाहरी बात है कि जो लीवर एमडी होती हैं, जो पेशेंट सफरावी मिजाज होते हैं, जो जंडस का शिकार होते हैं, तो उनकी जो ज़बान होती है वो येलो कोटेड होती है, डर्टी भी होती है। ग्रेट डिस्ट्रेस इन स्टॉमिक एंड इंटस्टाइन। अब ग्रेट यानी कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है उसके इंटस्टाइन में, उसके मेदे में, विद डिज़ायर फॉर स्टूल, और मरीज़ को ऐसी ख्वाहिश होती है कि अगर उसको जनाब स्टूल आ जाए तो शायद वो जो कंडीशन है वो बेहतर हो जाएगी। तो यानी कि उस तकलीफ़ के साथ, मेदे और आंतों की तकलीफ़ के साथ मरीज़ के अंदर पखाना करने की जो होती है ये ख्वाहिश होती है। एकिंग इन रीजन ऑफ लीवर एक्सटेंडिंग टू स्पाइन। अब वो कह रहे हैं कि जनाब लीवर का जो मकाम है वहाँ पर मरीज़ जो होता है वो एकिंग दर्द महसूस करता है, और एक्सटेंडिंग कर रही है टू स्पाइन, रीढ़ की तरफ, चेलोडीनी में एक्सटेंडिंग करती है शोल्डर की तरफ। अगर ऐसी पेन जो एक्सटेंड करती हो शोल्डर की तरफ, तो उसके लिए चेलोडीनियम जो होती है ये बहुत ही सिक्केबंद मेडिसिन होती है, वो भी जैंडिस की और लीवर की एक बहुत बड़ी मेडिसिन है। कहाँ पर बड़ी आपको मिलेगी? जब उसकी सिम्टम्स होंगी वो अपने क्राइटेरिया में। तो इसका दर्द जो होता है ये एक्सटेंड करता है
रीड की तरफ, विच फील्स चिली, जिसके साथ ही मरीज को वहाँ पर उस मुकाम पर क्या होता है कि सर्दी महसूस करता है। स्टूल्स प्रोफ्यूज ब्लैक फीटेड स्टूल्स, कि मरीज में जो पखाने होते हैं या उसका जो डायरिया वो प्रोफ्यूज होता है, बहुत ज़्यादा होता है, स्याही माइल होता है, फीटेड स्टूल्स होता है, यानी कि बहुत ही नागवार साफ, बहुत ही बदबूदार, विद पेन एट अम्ब्लाइकस, और नाफ के मकाम पर क्या होता है कि दर्द मिलती है। अब कह रहे जी वो ब्लीडिंग पाइल्स, यानी कि ऐसी बवासीर जो खूनी होती है, उसके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, क्योंकि जाहिर बात है कि यहाँ पाइल्स के अंदर आपको जो पोर्टल सर्कुलेशन होती है ना, वो ज़रूर मुतासर होती है। जब वो मुतासर होती है तो जाहिर बात है कि पाइल्स के साथ अक्सर बाद में या उसका जो नतीजा होता है वो लीवर भी जो होता है वो भी अफेक्टेड हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप पाइल्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कम से कम ऐसी अद्वियात तो मत इस्तेमाल करें कि जिनकी वजह से वक्ती तौर पर आप उस कंडीशन को दबा देते हैं, सुप्रेस्ट कर देते हैं, और बाद में आपके लीवर का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। टाइफाइड स्टूल्स टर्न ब्लैक, अब टाइफाइड के मरीजों की बात हो रही है कि उनका भी जो स्टूल होता है वो स्याही रंगत में तब्दील हो जाता है, एंड लुक लाइक टार और तारकोल जैसा नज़र आता है। क्ले कलर्ड स्टूल्स विद जॉन्डिस, और जॉन्डिस में क्या होगा, स्टूल जनाब बिल्कुल या तो चिकनी मिट्टी या गारे की तरह मटियाले रंग का मिलेगा। प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम विद हीमोराइड्स, अब वो बवासीर और प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम की बात हो रही है कि इसके लिए भी ये एक ज़बरदस्त मेडिसिन है। यानी कि मरीज को खूनी बवासीर हो और साथ ही कांच निकलने की अगर कैफियत हो और मकस से जरियाने खून हो, तो इसके लिए भी ये एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। रेक्टल हेमरेज, रेक्टम से जो ब्लीडिंग होती है। अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो वो कंपेयर कर रहा है पोडोफाइलम से, आयरस वर्सिकुलर से, ब्रायोनिया से, मर्क्यूरस वगैरह से। तो यहाँ पर डोज जो मेंशन की गई है ये मदर टेंचर से लेकर थर्ड पोटेंसी तक है, लेकिन दोस्तों इसको अगर आप 1 mL के अंदर इस्तेमाल करवाते हैं या इससे बड़ी ताकतों में इस्तेमाल करवाते हैं तो इसका आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिलेगा। यकीन मानें कि ये दवा अपने क्राइटेरिया के अंदर बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अब हमने इस दवा में से सीखा क्या और हमने पिक क्या किया, ये सबसे अहम चीज़ है। अब ये इसका थोड़ा सा स्पेसिफिक क्राइटेरिया था, उसमें से जो हमने चीज़ों को याद रखना है वो ये याद रखना है कि अगर ऐसा पेशेंट जो हमारे पास आता है कि वो लीवर के प्रॉब्लम का शिकार है, वो जॉन्डिस का शिकार है, या उसको ऑलरेडी पहले उसको टाइफाइड फीवर या उसको मलेरियल फीवर हुआ था और उसके बाद के नतीजे में उसे जनाब ये प्रॉब्लम आ गए हैं, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। अब जाहिर बात है कि पेशेंट तो आके हमें नहीं बताता है कि जनाब मेरे लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, वो अपनी चंद सिम्टम्स देता है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि अगर आपको यहाँ पर डल फ्रंटल पेन मिल रही है, वर्टिगो वाली कंडीशन मिल रही है, ड्रोजीनेस मिल रहा है और डिप्रेशन मिल रही है, अब अगर इन चीज़ों को आप इकट्ठा करके देखेंगे ना तो इसका जो आउटपुट निकलेगा वो लीवर का डिस्टर्ब होना आपको ज़रूर मिलेगा। तो ऐसा पेशेंट जिसको भूख कम लगती हो, जिसका रंग जर्दी माइल हो, जिसके मुंह का टेस्ट भी ठीक ना हो, मुंह का जायका कड़वा हो और पूरी स्किन के ऊपर उसकी बेरौनकी सी हो, ड्राइनेस हो, बड़ा इरिटेट हो, और वो कहे कि डॉक्टर साहब मेरे माथे में हर वक्त हल्का हल्का दर्द रहता है और मुझे चक्कर आते हैं। अब इसके जो चक्कर होते हैं ये हरकत से बिल्कुल ब्रायोनिया जैसे होते हैं, ड्राई नोज, ड्रोजीनेस, इसमें गनूदगी वाली कंडीशन पाई जाती है। तो ऐसी ही मेरी एक पेशेंट थी कि जो काफ़ी देर से मेरे पास आ रही थी सर दर्द के हवाले से, और जब मैं उसकी इन अलामत को लेता तो मैंने उसको ब्रायोनिया, चेलोडीनियम भी इस्तेमाल करवाई। अब क्या होता है, चूँकि हमारी अद्वियात पोलीक्रेस्ट होती हैं, और कहते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स को इनके पोलीक्रेस्ट इफ़ेक्ट ने जो है ये बचा रखा है, यानी कि अगर पोलीक्रेस्ट अद्वियात के इफ़ेक्ट ना ना हो तो ये जो हम बड़ी बड़ी बुलंदोबाग दावे करते हैं या बड़ी बड़ी छोड़ते हैं तो ये सारी ज़मीन दोज हो जाए। उसकी रीज़न यही होती है कि वो पोलीक्रेस्ट एमडी होती है तो हमें कुछ ना कुछ उसका जो है
वो रिज़ल्ट मिल जाता है। लेकिन अगर मेडिसिन सिमली मम होगी, बिल्कुल उसके करीब तरीन होगी, तो फिर उसके शफा याबी के और मरीज़ फौरन आपसे कहेगा कि जनाब मैंने पहली खुराक से मुझे रिलीफ मिला है। तो वो पेशेंट जो थी वो सर दर्द के मेरे पास कंप्लेन लेके अक्सर आती थी कि मैं जरा डल फ्रंटल पेन रहता है, और वर्टिगो वाली कंडीशन भी मिलती थी, ड्रोजीनेस भी मिलता था, और डिप्रेशन वगैरह भी थी। और मैं अक्सर उसको ब्रायोनिया इस्तेमाल करवाता, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रही थी। तो एक दिन मैंने कहा कि आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो जब उसने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसके अंदर उसका जो लीवर का प्रॉब्लम आया, बल्कि लीवर इन लार्ज्ड आया। अब रिपर्टरी के अंदर हमें लीवर इन लार्ज होने में शायद ये मेडिसिन तो ना मिले, लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ कि जब मैंने इसको 1 ml के अंदर इस्तेमाल करवाया, और उसके बाद पेशेंट ने मुझे बताया कि अब उसका सर दर्द वाली कंडीशन जो है वो ठीक है, अब शहबाज़ भाई मुझे वो दर्द नहीं होता है, अब थोड़ी सी भूख के अंदर भी बेहतरी आई है, मुंह का टेस्ट जो है ये भी बेहतर हुआ है। तो ये दोस्तों इस दवा की सबसे बड़ी खूबी है। तो अगर ये अलामत आपके सामने आती हैं तो दोस्तों आप इस दवा का इस्तेमाल ज़रूर करें, और इसको कोशिश करें कि इसको बड़ी ताकत में कम से कम 1 ml में इस्तेमाल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला, फिर मुझे इसका एक्सपीरियंस हुआ, और फिर मैंने इसके बाद काफ़ी पेशेंट में इसका इस्तेमाल करवाया, और वो दवा जो बिल्कुल जिससे मैं अनटच था, तो उसने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसी अदवियात जिनका क्राइटेरिया जो है वो बहुत ही शार्ट हो, और वो किसी आर्गन के ऊपर बहुत अच्छा जनाब हमें उसकी सिम्टम्स मिल रही हों, तो फिर उस दवा को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ अली शहबाज़ को इजाज़त दीजिए, मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह ताला ये हमारा सिलसिला जो है ये इसी तरीके से जारी रहेगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आएगा। शुक्रिया।